आज का जो हमारा सफर है वो यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पे है और आज जो हमारा ट्रैवल पार्टनर है, अच्छा रुकिए, मुझे भी पता है कि जितनी एक्साइटमेंट मुझे है आज के सफर में जाने में, उतने एक्साइटेड आपको भी है, क्योंकि आज के सफर में है हमारे साथ में तो आज है हमारे साथ मॉन्स्टर, जिसकी चर्चा तो आपने सुनी ही होगी। सवेरे के 8 बज रहे हैं और आज का सफर है हमारा मॉन्स्टर के साथ में करीब 150 से 100 किलोमीटर की दूरी। आज के सफर के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम जाने वाले हैं कुछ ऐसे जगहों पे जो हमारे लिए नई होंगी। एक बात तो है, मैंने मॉन्स्टर का देखा है कि ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आज मैं मॉन्स्टर के साथ ये सफर बहुत लंबा पे अभी कर रहा हूँ, तो ऐसा है कि मैं जहाँ से पार हो रहा हूँ मुझे साइड देने की ज़रूरत नहीं है, लोग ऐसा ही साइड दे दे रहे हैं और कुछ लोगों का ऐसा है कि वो फ़ोन निकाल निकाल के मॉन्स्टर का शूट कर रहे हैं, मतलब मॉन्स्टर इसका नाम ऐसे ही नहीं है। आज का सफर सरगुजा के एक छोटे से गांव में जो बतौली के पास में स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बगीचा क्रॉस करा है और करीब हम 1.5 घंटे की ड्राइव आराम से करते हुए मशीन के साथ पहुंचे बगीचा और यहां से करीब हमें और 30 से 40 किलोमीटर आगे की ओर जाना है। सफर के बाद अभी हम पहुंचे माइनी चौक और अभी यहाँ से हमें कुछ दूर और सफर करना है। अभी हम जहाँ पे रुके हुए हैं यहाँ पे दो रास्ते हैं, यहाँ से अगर हम जशपुर से आप आ रहे होंगे और राइट लेके जाएंगे तो आप कैलाश गुफा के रास्ते में जाएंगे, लेकिन हमें कैलाश गुफा के रास्ते में नहीं जाना है, हमें बतौली की तरफ जाना है, तो अभी थोड़ी देर के बाद हम बतौली के रास्ते में निकल पड़ेंगे। अब हम पहुंचने वाले टेडगा, जो कि आज हमारा सफर जहां ख़त्म होता है। बेसिकली टेडगा एक छोटा गांव है और उस गांव में एक छोटा इवेंट हो रहा है और उस इवेंट में हम वहां के गांव वालों के साथ में सम्मिलित हैं, तो चलते हैं और वहां पे मिलते हैं। मैंने ये देखा है हर एक गांव और हर एक शहर में अपने अलग कल्चर होते हैं और जब उस शहर उस गांव में कोई अतिथि आते हैं तो वो अपने कल्चर से उनका स्वागत करते हैं। तो टेडगा के गांव ने बहुत अच्छा वेलकम किया। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, टेडगा के लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया और उन्होंने जो गीत लिया था वो गीत काफ़ी सुकूनदायक था और जो ढोलक में जो बीट बन रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा नए थे और उसको सुन के हमें लगा कि ये बहुत ही अच्छा है। ये करीब 1000 की संख्या वाली गांव है और ये गांव बतौली के आसपास में है, बतौली से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ के गाँव के लोग जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं वो लेने के लिए बतौली की तरफ जाते हैं। और अंत में हमने टेडगा के गांव वालों से काफ़ी सारी बातें करी, हमने नए एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ साझा किया, हमने वहां के नए अच्छे अच्छे पकवान भोजन ग्रहण किया, उसके बाद हम चल पड़े वापस जिस जगह से हम आए थे, जशपुर की तरफ।